भीड़ अपना दिमाग लगाकर नहीं चलती, किसी एक को देख लिया उसका काम बन गया तो चलो हमारा भी बन जाएगा। इसलिए भीड़ का ढंग अलग होता है। जब एक टीचर ने पूछा था विद्यार्थी से कि अगर किसी एक बाड़े में 100 भेड़ बकरियां बंद हों और 50 उसमें से बाहर निकल जाएं तो पीछे कितनी बस्ती हैं, बच्चे ने खड़े होकर हाथ हिला दिया, बोले एक भी नहीं बचती। टीचर ने कहा इतना पढ़ाया तुम्हें गणित नहीं आता, बोले मुझे तो आता है, भेड़ बकरियों को बिल्कुल गणित नहीं आता। उनका दिमाग बहुत खराब है। बोले कैसे? बच्चा कहता मेरे घर के बराबर में भेड़ बकरियां का एक बाड़ा है, जब एक भेड़ बाहर निकलती है तो सारी भेड़ बकरियां बाहर हो जाती हैं, एक भी पीछे नहीं रहती। सोच सकते हैं भेड़ बकरियों की तरह जीने वाले लोग एक को आगे भागता देखेंगे वो गड्ढे में गिरेगा या कहां गिरेगा, सब जा रहे हैं पीछे पीछे। इसलिए जब आप गुरु से जुड़ते हैं तब भेड़ बकरियों का जीवन नहीं होता, तब आप अपनी सोच से चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, आपके सोचने का ढंग बदल जाता है, तब आप अंधी दौड़ के फैशन में शामिल नहीं होते कि सब लोगों ने अगर अपनी पैंट फाड़ के अपनी जीन फाड़ के चल पड़े हैं तो हम भी वैसा ही करें, क्योंकि फैशन है। और बेचने वाला भी जो है वो साबुत पैंट है उसकी कीमत कम लगाता है, फटी हुई की ज्यादा लगाता है। और मजा ये देखिए, मशीनें लगी हुई हैं हांगकांग में जिसका काम यही है पैंट को फाड़ो और उसमें ऐसा फटा हाल दिखाई देना चाहिए कि दरिद्रता देवी इसी के सिर पे बैठी हुई। ये सब भेड़ बकरियों की तरह जीने वाले लोग हैं, और इस भेड़ बकरियों की तरह जीने वाले लोगों का दिमाग नहीं चलता। वो पहले कान में बाली पहन रहे थे, आजकल नाक में होठ में पहनने के लिए तैयार हो गए हैं, थोड़े दिनों में लिपस्टिक लगाने वाले हैं, हो सकता मंगलसूत्र भी गले में डाल लें, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बस कोई एक एक्टर आगे आकर कुछ इस तरह से करके दिखा दे, नकल करने वाले बंदर बहुत बैठे हुए हैं, वो फटाफट तैयार हैं। मिलान में फैशन के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगता है एक व्यक्ति मिलान से वहां रहता था, कपड़े अपने बनवाए और जल्दी से वो लेके भागा जा रहा था दर्जी से कपड़े लेकर। किसी ने पूछ लिया भाग क्यों रहे हो, बोले जल्दी से घर जाके पहनूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फैशन बदल जाए, क्योंकि फैशन बहुत जल्दी बदल रहा है। तो निवेदन केवल इतना ही है पूरी बात सुनाने का कि अगर हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते तो हम दुनिया की तरह बनने की कोशिश करते हैं, और अगर हम ठीक ढंग से जीने लग जाते हैं तो दुनिया फिर हमारी नकल करने लग जाती है, फिर दुनिया हमारे हिसाब से चलने लग जाती है। इसलिए कुछ ऐसा जीवन में आना चाहिए कि दुनिया आपका अनुकरण करे, आप दुनिया का अनुकरण ना करें। इसलिए गुरु सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में वो पल लाने की कोशिश करता है कि आप थोड़ी देर तक अकेले बैठ कर चिंतन मनन जरूर करें। जब आप चिंतन मनन करते हैं तो उस चिंतन मनन के साथ में आत्मनिर्माण की यात्रा शुरू होती है। आत्मनिर्माण की इस यात्रा में आदमी सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ, किस शिखर पर पहुँचना चाहता हूँ, मुझे कैसा होना चाहिए, सेहत के बारे में क्या ध्यान रखना, परिवार के बारे में क्या ध्यान रखना, रोजी रोटी कमाने पर क्या ध्यान रखना, व्यवहार पर मुझे क्या ध्यान रखना, अपने समय का कैसे उपयोग करना, कितनी शांति मेरे जीवन में होनी चाहिए, मेरे अंदर कितनी मिठास रहनी चाहिए, कितना प्रसन्न मुझे होना चाहिए, किस तरह से जीवन को दिशा दो। और उस समय एक दूसरी चीज शुरू होती है जिसको कहते हैं आत्मवार्ता, खुद के साथ बातचीत। वैसे तो हर पल ही हम खुद से बातचीत करते हैं, आत्मसंवाद सब कोई करते हैं, अपने से, मेरे से भी आप जो बात सुन रहे हैं सुनते जा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आप अपने से भी बात करते जा रहे हैं। किसी से आप कोई भी बात करोगे वो बात बाहर जरूर सुनाई दे रही होती है लेकिन एक बात अंदर भी चल रही होती है। ये जो आत्मसंवाद है गुरु सबसे पहले इसे ठीक करने के लिए बोलता है। गुरु ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो आत्मचर्चा चल रही है, खुद के साथ जो बातचीत चल रही है, उसे सुधार कर लीजिए, फिर बाहर का वातावरण सुधरना शुरू हो जाएगा।
जब आप बाहर बातचीत करते हैं, बाहर आप अलग ढंग से बात करते हैं, अंदर से जब आप खुद के बात कर रहे होते हैं तब खुद को कोस रहे होते हैं, कमियां निकाल रहे होते हैं, कभी कह रहे होते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर में बैठी होती हैं, और उसका कारण होता है कि हमारे जो पालन पोषण होता है बचपन में, जो हमारे अंदर संस्कार डाले जाते हैं, जिस तरह से हमारी मस्तिष्क की कंडीशनिंग कर दी जाती है, उसी दायरे में हम लोग बातचीत करते हैं, वैसा ही हम लोग जो है खुद के साथ आंतरिक रूप से आत्मसंवाद कर रहे होते हैं। जैसे उसको आप सकारात्मक बना दें, आपके अंदर की हिम्मत जागने लग जाती है, आपका रूप बदलने लग जाता है, आपके वो विचार शक्ति जब प्रबल होती है आपकी जिंदगी बदलती हुई दिखाई देती है। इसलिए गुरु आपको बाहर से नहीं बदलता, आपको अंदर से बदलने के लिए मजबूर करता है। ये अंदर से बदलने के लिए ही विचार शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि तुम मुझे पाना चाहते हो, मेरे हो जाना चाहते हो, पहले अपने मन को बदलो और अपनी बुद्धि को धर्म से जोड़ लो, और अगर ये भी तुम नहीं कर सकते तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की चेष्टा करो। उस अभ्यास योग में भी मैंने आपसे कल बताया था किस तरह से मंत्र सिद्धि के लिए आप काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें, जप को कैसे आप करेंगे, इस सब के बारे में भी मैंने आपसे कहा। आगे भगवान फिर ये कहते हैं, अभ्यास से अपि असमर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, मतलब जो तुम नौकरी करते हो तो ये समझो वो नौकरी भगवान की कर रहे हो। महिलाएं जो भोजन बना रही हैं वो समझे अपने देवता के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। जब आप चल भी रहे हैं तो यही समझ लेना कि आप चल नहीं रहे, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। जब आप कहीं बैठे हैं तो ये महसूस करना कि भगवान की गोद में ही हम बैठे हुए हैं। जो आप बोलते हैं तो उसमें आप यही समझें कि मेरे बोलना भी भगवान से जुड़ जाए, मेरी वार्ता भी परमात्मा का परिचय देने लग जाए, मेरी चर्चा हरि चर्चा बन जाए। जिसे सहजोबाई ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, जो सोवे सो सुन में जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा भक्ति करे निःकाम। कि शून्य में सोना सीख जाओ, शून्य में सोने का मतलब होता है मस्तिष्क को जीरो पॉइंट पर ले आओ, विचार शून्य हो जाना। अब देखते हैं कि मस्तिष्क में जो विचारधाराएं चल रही होती हैं, वो विचारधारा अगर बहुत ज्यादा व्याकुलता पैदा करने वाली है तो हमारे अंदर की शांति भंग हो जाती है। शांति भंग हो जाए तो ऐसा आदमी जब भी कभी किसी से बातचीत करेगा तो थोड़ी देर तक तो वो शांत होता दिखाई देता है। अगर किसी ने तीन बार एक ही बात पूछ ली तो अपने आप से बाहर हो जाता है, फट जाता है। महिलाएं जब कुरेद कर कोई बात पूछती हैं तो पति एकदम गुस्से में उबलने लग जाता है। पत्नी को ये लगता है कि ऐसा हुआ क्यों, हमने ऐसी कौन सी बात पूछ ली इनसे, सिंपल बात तो की है, लेकिन पता नहीं वो बाहर से शांत और अस्तवा दिखाई दे रहा है पर अंदर बहुत ज्यादा तनाव है। उस तनाव को अगर थोड़ा सा और किसी ने रगड़ दिया या दबा दिया तो आदमी फट पड़ता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि वैचारिक रूप से लोग अपने अंदर इतने इरिटेट, इतने ज़्यादा खीज में रहते हैं कि थोड़ा सा छेड़ते ही उनके अंदर का जो लावा है, जैसे ज्वालामुखी का लावा निकलता है, ऐसे आग निकलती है। वो जो कभी कभी हम विनोद में ये कह दिया करते हैं कि किसी ने मक्का का दाना होता ना पॉपकॉर्न, उसको भूनते हुए पूछ लिया कि तू इतना उछलता क्यों है, जब उसे भूनते हैं ना वो बहुत ज़ोर से उछलता है, तो उससे पूछा इतने जोर से उछलता क्यों है, और मक्का का दाना कहता है इतने गर्म तवे पे तुम बैठ के दिखाओ।
अगर मेरे से भी ज्यादा ना उछले तो। अब इस बात को याद रखना, कोई आदमी घर में आके उछल रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो समझ लेना गर्म तवे पे बैठा हुआ है। अब वो गर्म तवा क्या है? वो तनाव का तवा है, और वो तनाव का तवा हम सब ने तैयार कर रखा है, जिसपे एकदम गुस्सा आता है, और ज्यादातर गुस्सा जो है अपने से कमजोर को देख कर आता है। जिस पर गुस्सा निकाला जा सकता है, वो कोई मिल जाए, तुरंत हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। निवेदन ये है कि सबसे पहले विचारधारा बेहतर बनाई जाए, वातावरण को बेहतर बनाया जाए, और धीरज रखना, शांति और संतुलन बनाए रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि ये अच्छी बातें याद करने से उतना फर्क नहीं पड़ता, जब इनका प्रशिक्षण आप लेते हैं और प्रयोग करते हैं खुद के साथ, यहाँ से कमाल होना शुरू होता है। अपनी पीठ थपथपाइए जब आप उन लोगों के बीच में हो जो आपको उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, और आप शांत हो। अपने मन मन में अपने आप की पीठ थपथपाते हुए कहिए कि आज मैं तुरंत जलने वाला ईंधन नहीं बना हूं, और मैं किसी के हाथ का खिलौना भी नहीं बना। मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं है। मेरी कठपुतली मैं बन जाऊं और धागे कोई दूसरा हिलाए, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। आज मैंने अपने ऊपर नियंत्रण पाया है। यहां से आपका बड़प्पन जागता है, ये अभ्यास आपको ऊंचा उठाता है। जब आप देखते हैं कि कोई आपको फुसलाकर, तारीफ करके, आपको गुब्बारा समझ के हवा भर रहा हो, उस समय भी समझ जाना चाहिए कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि किसी के पंपिंग करने से और मेरा गुब्बारा फूल जाए। आप उसी तरह शांत रह सकें, अपने आप को स्थिर रख सकें, इसको कहते हैं धैर्य। और मनु महाराज ने जो धर्म के लक्षण लिखे, उनमें धृति को, धैर्य को बहुत बड़ा महत्व दिया। धृति क्षमा दमोस्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धैर्य जो है वो सबसे बड़ा गुण माना गया है, कि आप अपने पांव जमाए रखो और कोई आपको गिराने की कोशिश करे, फिसलाने की कोशिश करे, आप अपनी जगह में स्थिर हो सकें। मतलब ये है कि थोड़े थोड़े प्रयोग खुद के साथ करिए, जब आप अपने आप को संभालना सीख जाते हैं, यहाँ से आपका बड़प्पन शुरू होता है। ये बड़प्पन आपकी जिंदगी को कितना ऊंचा लेकर जाता है, कि जो लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मनोविज्ञान का, और आपको प्रभावित करते हैं, और आप किसी के प्रभाव में नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि उनकी सारी दवाई आपने बेकार कर दी, और आप अपने अंदाज में हाथी की मस्त चाल की तरह अपनी चाल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप उतने कमजोर नहीं है कि पतला तवा, थोड़ी सी गर्मी पाई और एकदम लाल हो गए। यह अभ्यास जरूर करिए। दूसरी बात, निराशा की चीजें भी आएंगी जिंदगी में जो आपका मनोबल तोड़ेंगे, और लगेगा कि मेरी जिंदगी का कोई महत्व तो नहीं रह गया, तब फिर से अपने आप को संभालिए। जब आपको लगता है कि कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो हो जो मुझे सहारा दे, कोई तो हो जो मेरे साथ दो प्यार के बोल बोले, जब तक आप दूसरों का सहारा ढूंढते रहते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए, आप खुशी नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। जिसकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है, वो सच्ची खुशी नहीं है। किसी का भी मूड बिगड़ेगा, आपकी खुशी जाती रहेगी। इसलिए कभी भी अपनी खुशियां दूसरों पर डिपेंड मत कराइए। मेरे पति का मूड ठीक रहे तो मेरा भी रहे, मेरा भाई ठीक रहे मैं भी ठीक रहूं, किसी का एक का मूड खराब आपका भी मूड खराब। कोई दूर से अगर हमें प्रभावित करना चाहे,
हम हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, और जब आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए दुनिया का मूड बने बिगड़े कुछ भी हो, आप अपने आनंद में जिए, अपने आप को नियंत्रित करना सीखिए। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाते हुए आदमी अनुशासन को सीखता है। आप देखते ना कि लोग इतने कमजोर मूड वाले होते हैं, अच्छी भली यात्रा करते करते बीच में रोक देते हैं, अब तो मेरा मूड खराब हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। एक सज्जन के बारे में उनके परिवार के सारे लोग बता रहे थे, बोले इनके मूड का कुछ पता नहीं, हम लोग बड़े परेशान रहते हैं। बोले अच्छा भला मूड बना था, छुट्टियां हैं, 4-5 दिन जो है बाहर जाएंगे। गाड़ी में जाते जाते कार यही चला रहे थे और बच्चे बता रहे हैं कि माँ ने थोड़ा सा ही कुछ कह दिया, तो साधारण बात थी, बस ये बोले अब तो मेरा अपमान हो गया, अब मूड खराब, अब मैं तो जा रहा हूं। गाड़ी रोकी वहीं रोड के ऊपर, उतर के खेतों में भाग गया, खेतों में भागा जा रहा, अब भूख तो अपनी करनी, बहुत बोल लिया ना तुमने, अब जाओ मजे लूटो, मैं नहीं आने वाला। और बच्चे मां को बोले मां मां तुमने क्यों छेड़ा इनको, अब ये क्या होगा, हमारी तो छुट्टियां खराब हो गई। अब मां तो जानती है, वो बोली चुपचाप बैठे रहो, आधे घंटे में वापस आएगा। अब बच्चे कहते हैं हमें क्या करना होगा, बोले जैसे नजदीक आए तो सॉरी सॉरी बोलना, फिर वो कहेंगे बस तेरे कारण मान गया हूं मैं, तेरे कारण माना, नहीं तो मैं मानने वाला था, मजा चखा देता सबको, पता लग जाता। अब बच्चे कहते हैं मां तुम्हें मालूम था, बोले ऐसे ड्रामे मैंने 1000 बार देखे हुए हैं, शुरू से अब तक ऐसा ही करता है, क्योंकि अनुभूत प्रयोग है उसके, तो वो जानती है ये क्या करेगा। हर एक आदमी के अंदर बचपना बहुत अजीब अजीब तरह का होता है, और इधर पुरुष महिला को दोष दे रहा है और महिला बोलती नहीं, अंदर अंदर कहती है पता नहीं इसकी माँ ने इसको पाला कैसे है, सिखाया क्या है इसको। सब आदतें हम लोगों ने पाल के अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया कि हम बाहर जाकर लोगों से कहते हैं देखना मेरे ऊपर कोई ग्रह दशा तो नहीं है, या मेरा टाइम तो खराब नहीं चल रहा, या कोई और चीज हो गई, हर चीज हमारे अंदर गड़बड़ है। इसलिए गुरु आपको बाहर से नहीं ठीक करता, वो आपको अंदर से ठीक करने की बात करता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 22 से 25 फरवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 22 फरवरी 2024 सायं 4 से 6 बजे, 23 से 25 फरवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 23 से 25 फरवरी सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 25 फरवरी प्रातः 11 बजे। स्थान सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। मन घूम रहा है। पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती।
आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।